नारंडा सीमेंट कामगार संघ HMS के कामगारों ने अपने न्याय हक के लिए आंदोलन छेड़ा। मुरली एग्रो कंपनी में नारंडा कंपनी के 900 कामगार कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डालमिया कंपनी ने उन कामगारों को काम पर नहीं लिया। अभी तक 900 में से करीब 600 कामगार काम से वंचित है। HMS की ओर से हाल ही में ली गई पत्र परिषद में आंदोलन का इशारा दिया गया था। इसी कड़ी में आज नारंडा कंपनी के सामने कामगारों ने एक सभा का आयोजन किया और यहीं से अपने आंदोलन की शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तारीख को हमने पत्रकार परिषद में इस बात को कहा कि नारंडा सीमेंट कामगार संघ HMS के जितने कामगार हैं, जितने प्रताड़ित कामगार हैं मुरली से, उन लोगों ने उसी प्रेस वार्ता में कहा था कि आने वाले दिनों में अगर हमसे बातचीत नहीं हुई तो हम लोग अपनी आखिरी आंदोलन करने के लिए आमादा हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज 6 तारीख को सवेरे 7 बजे से लगभग 500 कामगार वहाँ पर नारंडा सीमेंट फैक्ट्री के सामने जमा हुए। हालांकि ये पहले से तय नहीं था, तय था कि 50 लोग आके सभा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप जमा हो गए, बहुत सारे लोग वहाँ पर, लगभग 500 लोग। और उस सभा में ये निर्णय लिया गया कि इसको अब यहीं से सत्याग्रह आंदोलन का रूप दिया जाएगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक। और हमारी मौजूदगी में उस आंदोलन की आज शुरुआत हुई। HMS की मौजूदगी में मेरे साथ में मेरे सहयोगी नगर सेवक हमारे सचिन भोयर भी थे और हमारे माजी नगर सेवक प्रकाश टोटावार भी थे और BJP के हमारे उपाध्यक्ष घनश्याम यादव भी थे। उन्होंने भी इस बात को अपने संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं, जो उनके नेतागण हैं, उनके पास ले जाने की बात कही है। लेकिन एक बात आप जान लें कि जिस तरह से प्रबंधन वादा करके भी मुकर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर रही है, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय को त्रस्त होके अब वो आखिरी लड़ाई पे अब उतर गए हैं। अब आज शुरुआत हो गई है, बच्चे भी बैठ रहे हैं और उनकी घरवाली भी बैठ रही है, माता बूढ़े सब बैठे हैं। पता नहीं इसका हर्ष क्या होगा, लेकिन हम ये अपील करेंगे प्रबंधन से भी कि वार्ता के माध्यम से इसको सुलझाएं और उनका हक उनको दें। इससे ज़्यादा वो कामगार कुछ नहीं चाहता है। जब तक उनकी ये जायज़ मांगे वो पूरी नहीं होती, कामगार आज उस मानसिकता में है कि वो वहाँ से नहीं उठेगा, वहीं बैठेगा और हो सकता है कि इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि उनको न्याय दिलाएं, न्याय उनके साथ में करें।